सर अगर हम चाह रही हूँ कि लंबे समय से सर ओपीएस बहाली को लेकर जो मांग चल रही है, कर्मचारी को अपनी मांग करने का अधिकार है और वो अपनी मांग कर रहे हैं। इसके बारे में लेकिन ऐसा होता कि जब कर्मचारी मांग करते हैं सारी सरकारों में उनकी सारी मांगे पूरी हो जाती हैं, ऐसा तो होता नहीं। कुछ होती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं, अपना पक्ष वो रख रहे हैं और ऐसे में जो परिस्थितियां प्रदेश की हैं उन परिस्थितियों में उसको स्वीकार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस पर अभी कहना कठिन है, सरल नहीं है। और जिन प्रदेशों में कांग्रेस ने घोषणा की है वो उनकी हालात पूछे कि वो कितने संकट में है। अभी हमारी जोनल काउंसिल की मीटिंग जयपुर में थी, राजस्थान सरकार वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार जो सबसे कांग्रेस के सबसे वरिष्ठतम नेता है गहलोत जी वहां पर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष इसी बात को लेकर के कहते रहे कि हम तो करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं, केंद्र मदद करे। तो इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के जल्दबाजी में उन्होंने कह तो दिया है लेकिन उसे करना इतना सरल नहीं है, इस बात को मानना पड़ेगा। और आज जो कांग्रेस के लोग इस बात की बार बार घोषणा कर रहे कि आते ही हम करेंगे, हम आते ही करेंगे, हम आते ही करेंगे, ये ओपीएस उनका ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। 2003 में जब एमओयू साइन हुआ है उस वक्त हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी, हिमाचल पहला राज्य है पूरे देश भर में जब सबसे ओपीएस को जो है समाप्त करके एनपीएस को लागू किया गया है। इसका पहले तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस से इस बात को पूछना चाहिए कि सबसे बड़े नेता जिनके नाम पर वो वोट मांग रहे हैं आज इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन अपने पास उनके क्षमता नहीं, योग्यता नहीं उनमें, कांग्रेस के नेताओं में आज भी वोट मांगने की बात उनके ही नाम पर कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं उस पर भी, लेकिन उनके वरिष्ठ नेता जिनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जिनके नाम पर सारी चीजों को लेकर के वो फोकस कर रहे हैं, आने वाले समय में उनके नाम पर वोट पड़े, उस नेतृत्व ने निर्णय किया था कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को समाप्त किया जाए, एनपीएस को लागू किया जाए। इस पर कांग्रेस का क्या कहना है आप जरा पूछिए उनसे। सर एक जो लास्ट कैबिनेट में आपने 300 डॉक्टर्स इंटरव्यू के बोले थे तो उनके इंटरव्यू की नोटिफिकेशन कब तक आएगी? जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी, और पूरा हमारा प्रदेश और केंद्र का नेतृत्व एकजुट होकर के इस चुनाव में जब लगेगा आप देखेंगे। हमने कहा है कि सरकार ने ही रिवाज बदलेगा, रिवाज बदलेंगे इस बार और हिमाचल प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी। सर विपक्ष कह रहा है कि सीबीआई और ईडी का आप मिसयूज कर रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूं कि अगर गलत नहीं किया है तो उनको चिंता होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जब गलत किया है तो ये एजेंसीज है, ये इन्वेस्टिगेशन की एजेंसीज है, तो इन्हें अपना काम करना है, कानून के मुताबिक करना है। सर भी पार्टी काफी सक्रिय है इस समय, आप किसको चुनौती मानते हैं, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? देखिए मैं तीसरी पार्टी के बारे में इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि तीसरी पार्टी को हिमाचल ने आज तक स्वीकार किया है। आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है लेकिन इतना सरल नहीं है, उनके साथ ही पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से और भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से स्वाभाविक रूप से मुकाबला तो दो पार्टियों के बीच में है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोकतंत्र है, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, चुनाव लड़े, और पंजाब में सारा परिदृश्य लोगों के सामने आ गया है, 4 महीने की सरकार में सारी चीजें जिस प्रकार से सामने आई हैं उन बातों का जिक्र करने क्या। सर इस बार मानसून काफ़ी कहर ढा रहा है हिमाचल प्रदेश में, जरूरत से ज़्यादा बारिश 12% जो ज़्यादा हो रही है, तो उसमें गवर्नमेंट के क्या वो क्या उसमें, जैसे कल भी कुल्लू में भी काफ़ी त्रासदी हुई, मंडी में भी हुई, तो गवर्नमेंट देखिए बरसात का मौसम हमारे लिए पहाड़ बड़े प्रदेशों के लिए कठिन होता है, मुश्किल होता है, और मुझे लंबे समय से इस बात को हम देख रहे हैं कि जब बरसात का मौसम आता है तो हमारी बेचैनी बढ़ती है क्योंकि घटनाएं एक नहीं अनेक घटित होती हैं, और ऐसे में सावधान होने की आवश्यकता। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे अलर्ट पर रखा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहा है। हमने तय किया है कि सड़कें अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए, अवरुद्ध होती है तो उनको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करना, टूरिस्ट जो हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं जो ऐसे स्थानों पर ना जाए जहाँ पर कोई घटना दुर्घटना घटित हो। और आज भी मुझे इस बात का बहुत दुख है कि ऊना जिले के अंतर्गत एक घटना घटित हुई है जो विचलित करने वाली है, मैं बहुत आहत हूँ उस घटना से, और वहाँ जिस प्रकार की सारी चीज़ों को लेकर के बच्चे छोटे थे उम्र में उनको कल्पना नहीं थी सारी चीज़ को लेकर के, और
पानी एक ऐसी चीज़ होती है जो थोड़ा आकर्षित करता है, सबको आकर्षित करता है अपनी दोस्त। वैसे में मेरा जितने भी टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में, उनसे विनम्र निवेदन है, आइए सुरक्षित स्थानों पर रहिए, सुरक्षित स्थानों पर जाइए घूमिए, लेकिन नदी के करीब मत जाइए। जहाँ पहाड़ खिसकते हैं, जहाँ पहाड़ से भूस्खलन होता है, तो उन स्थानों का आप इस वक्त जो है थोड़ा जाने में परहेज करें। इतने ही मैं कहना चाहता हूँ। सर, उपचुनावों में भाजपा को काफी नुकसान हुआ था, अब आने वाले समय में आप किन मुद्दों को लेकर लोगों में उतरेंगे? उपचुनाव का दौर वो हो गया पूरा, लेकिन अब ऐसा हमेशा वैसे माहौल थोड़ी, अब जनरल इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन में मुद्दे अलग होंगे, माहौल अलग तरह का होगा, और पूरा हमारा प्रदेश और केंद्र का नेतृत्व तो एकजुट होकर के इस चुनाव में जब लगेगा, आप देखेंगे। हमने कहा है कि सरकार ने ही रिवाज बदलेगा, रिवाज बदलेंगे इस बार, और हिमाचल प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की। सर, मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर, चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।